नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव में परिणाम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन पर भूचाल आया हुआ है। 80 सीट जीतने के दावे के सापेक्ष यहां प्रदर्शन खराब रहा और अगर बात करें बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की तो उनके प्रत्याशी भी हार गए। कारण क्या रहा, इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने। उत्तर प्रदेश में यहाँ नैरेटिव सेट होने के नाते उतना वोट हमारा, उतना सीट कम हो गया। हम लोग चूक कर गए कि हम लोग जो अपने काम थे, विकास थे, उसको हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे। एक तो वजह ही रही कि हम अत उत्साह, हम लोग 400 पार इसलिए था कि भ्रष्टाचार खत्म था, देश को विश्वगुरु बनाना था और जनता हमारे साथ आज भी है, तब भी थे। लेकिन कुछ विशेष वर्गों ने हमारे अत उत्साह का फायदा उठाया। लोकसभा चुनाव का जनादेश, किसको सबक और किसको संदेश। निश्चित रूप से यहाँ पर जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के साथ ही लोगों को, एनडीए को यहाँ पर बहुमत तो मिला है, पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर नुकसान बड़ा हुआ है। जो आंकड़े आए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो यहाँ पर सबक के रूप में है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। क्या वजह रही, जनादेश तो मिला पर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? नहीं मिला, तभी तो प्रधान, हम लोग तो एनडीए के साथ आए इसीलिए प्रधानमंत्री फिर बने, प्रधानमंत्री बने और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा वोट मिला और जितना बहुमत चाहिए उससे ज़्यादा मिला है एनडीए के साथ। कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश में विरोधियों ने मौका पाया, उनका एक आदत है विरोधियों का भ्रम फैलाना और लोगों को भ्रमित करके वोट लेना, तो वो एक नरेटिव सेट किया कुछ बयानों को लेकर, उस नरेटिव को लास्ट में लेकर एक विशेष वर्ग के एससी के वर्ग में जो नान जाटा उठे उन्हों अपने तरफ मोड़ने का में कामयाब। हम लोग चूक कर गए कि हम लोग जो अपने काम थे, विकास थे, उसको हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे और इस समीक्षा का विषय हम लोग समीक्षा करेंगे, जो कमी रहेगी उसे सुधार करेंगे, आगे फिर जीत करेंगे। और हम लोग तालमेल से निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सब लोग हमारे सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के तालमेल मिला के चुनाव लड़ा, तभी तो ये 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख वोट पाएँ। 50,000, 1 लाख कम हुआ तो उसी के हुए जैसे हुए जो नैरेटिव सेट करके उन्होंने ले लिया। 14 में बीजेपी को बहुमत मिला, 19 में बीजेपी को बहुमत मिला, पर अगर 24 चुनाव की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को बहुमत मिला, बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है, कम से कम एनडीए साथी हैं तो साथी में आज के दिन में है। हार जीत एक जो है ये राजनीति का एक हिस्सा है, तो ये कम बेसी हो सकता है, लेकिन आज एनडीए को बहुमत मिलना ये सौभाग्य की बात है। पहले कहा जाता है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इस बार बोला जा रहा है एनडीए सरकार, वजह क्या है, कारण क्या है, मजबूरी है? नहीं नहीं, मोदी भी सबसे अधिक, आप देखोगे सब मिल के जितना नहीं पाए उतना अकेले भाजपा मोदी पाए, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में यहाँ नैरेटिव सेट होने के नाते उतना वोट हमारा, उतना सीट कम हो गया और उसको आगे फिर हम लोग 2027 में मैनेज कर लेंगे। चुनाव में आपको भी यहाँ पर निराशा हुई है, कहीं ना कहीं निराशा एक आशा बदलती है, अब यहाँ पर नए सिरे से कैसी तैयारी करेंगे कि इस बार जो निराशा हुई है वो आने वाले समय में आसान बदले? वो अपने आप हो गया ना, खटाखट 8,500 दे रहे थे, कार्ड दे दिया तो फार्म भरा था, अब घेर लिए कांग्रेस को, अब कांग्रेस किस मुंह से जाएगी नीचे, कार्ड बांट के झूठ बोला। और जब मोदी जी संविधान के सहारे देश चलाना है और सबके शोषितों वंचितों को न्याय दिलाना है, उन्हें सम्मान दिलाना है, मोदी से बड़ा काम कौन किया है? अब फिर जब उन्हें जिनको भ्रम में डाला था पीछे विपक्ष ने, वो जब फिर से सम्मान प्राप्त करेंगे, फिर सुरक्षा प्राप्त करेंगे, सुरक्षित है ही थे ही फिर रहेंगे, तो उनको लगेगा नहीं ये तो झूठ बोलकर हमारा वोट ले लिया और फिर उनके साथ छोड़ दें, फिर मोदी के साथ आएंगे। 8-9 महीने पहले बना गठबंधन INDIA गठबंधन यहाँ पर आपको कड़ी चुनौती देता है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नुकसान बढ़ा हुआ है, कारण वजह क्या रहे, क्योंकि आपने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया, बेहतर जानते हैं कि असल में वजह क्या रही, यहाँ पर इस तरह से परिणाम सामने आए। एक तो वजह ही रही कि हम अत उत्साह, हम लोग 400 पार इसलिए था कि भ्रष्टाचार खत्म था, देश को विश्वगुरु बनाना था और जनता हमारे साथ आज भी है, तब भी थे। लेकिन कुछ विशेष वर्गों ने हमारे अत उत्साह का फ़ायदा उठाया और कुछ बयान को उन्होंने नैरेटिव सेट किया, एडिट वीडियो बनाया और उसको लगाकर लोगों को भ्रम डाल दिया। तो पहले तो एक विशेष वर्ग जो नान जाटव था वो उसको उन्होंने अपने तरफ मूव करा लिया। दूसरा, कहीं कुछ जगहों पर तालमेल की कमी रही होगी, उसके वजह से हो गया। प्लस हम लोग जो मेन फैक्टर था वो जो नैरेटिव सेट हुआ उसके वजह से।
आपको नहीं लगता कि जो बाहर से पार्टी के लोग आए उनको तरजीह दी गई, इससे आपके जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता वो नाराज हुए और ये खामियाजा उसी के परिणाम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम कहते हैं कि आज के दिन में मोदी की जो टीम थी वही उत्तम थी। बाहर से आने वाले भाजपा तो सबको स्वागत करती है, ये तो हमारे धर्म में लिखा है, हमारे उसमें है। अब कोई अपने को मानता हो, अब जैसे अभी उनके यहाँ यादव जितने थे वो अखिलेशवादी हो गए, उनके यहाँ जो मुस्लिम थे एक हो गए, फिर बाकी जिनको टिकट दिया वो उनकी जातियों ने उनके साथ लड़ा। लेकिन इस तरीके से जब वो बिना किसी कि हमें कल कितना हम काम कर रहे हैं क्या नहीं क्या हमें कौन पे सम्मान को उन्होंने किनारे करके अपने पार्ट, तो वो चीज़ें यहाँ भी थी, तभी तो हम 4 लाख 5 लाख वोट पाए हैं। तो आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग साथ में थे और इसीलिए जीते हम लोग, आधे से ज़्यादा आधे जीते हैं। और बाकी कुछ जगहों पर हारे हैं, वहाँ समीक्षा होगी, फिर सुधार होगा। प्रत्याशियों के चयन में गड़बड़ी रही है कि आज उन लोगों को मौका दिया गया जिनके खिलाफ लगातार विरोध की स्वर उत्पन्न हो रहे थे, सुनने में आ रहा था, लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे, उनको जनता पसंद नहीं कर रही थी, फिर भी क्यों उनको तरजीह दी गई? देखिए, हम राष्ट्र का चुनाव होता है, राष्ट्र के चुनाव में कौन नेतृत्व करता है, कौन देश को स्थान बनाता है, कौन नीत बनाता है, उस पर चुनाव होता है, फिर बाद में लास्ट में प्रत्याशी का नाम आता है। तो प्रत्याशी तो जब नियम है कि कोई भी जब शीर्ष नेतृत्व जिसे तय कर दे वो सबका प्रत्याशी है, यही नियम है। अब कुछ लोग हैं कि जो ऐसे आते हैं कि जो भारत माता की जय कहेंगे, पार्टी को माता कहेंगे, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं, तो उनको क्या कर? मैंने पहले बता दिया ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, ऐसे बहुत कुछ लोग आ जाते हैं। जो चुनाव परिणाम आए हैं, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिली है, जो कि 27 चुनाव में आपके लिए खतरे की घंटी है, चुनौती बड़ी होने वाली है, कैसे देखते हैं? नहीं देखो, पहले नाव था, अब चुनाव हो गया है निषादों के हाथ में, और चुनाव में अब निषाद हमारे साथ है। जब आप देखे होंगे हमारे निषाद प्रत्याशी दिया था, पूरे 535 बूथ थे, लेकिन 505 हम जीते, तो किसी को जाने नहीं। ये खाली लोगों के पास एक भ्रम मैसेज डाल के अब उस पर हम लोग अपने लोगों को सतर्क करेंगे, उन्हें सिस्टम मिलाएंगे, फिर संगठन खड़ा करेंगे, नीचे संगठन पहुंचाएंगे कि भैया आप कोई नैरेटिव तुम्हारे पास न जाए, हमेशा पॉजिटिव जाए। आखिरी सवाल रहेगा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर OBC और SC ST वर्ग के जो वोट बैंक था वो आपके साथ नहीं गया है, ये साथ गया है कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के, इसलिए बड़ी जीत उनको हासिल हुई है, इस वर्ग का आपका मोह छोड़ना क्या कारण हो सकता है? नहीं तो क्या 4 लाख वोट मिला है तो अपर कास्ट तो है नहीं ना, सब तो अपर कास्ट नहीं है ना, 4 लाख तो उसमें OBC है ना, ये कहना कि OBC नहीं है, SC नहीं है, तो नहीं SC ST में मैंने कहा ना कि नान जाटों में, अयोध्या में एक तरफा चुनाव हो गया, मैं कह रहा हूँ कि वो नैरेटिव सेट करके ही किया गया ना, कि उसकी वजह से हार हुई, वाकई OBC हमारे साथ है, SC भी है, सब जाति जिनको हमने लाभ दिया है, जोड़ा है विचारधारा से, वो सब है, तभी तो 4 लाख 5 हज़ार 4.5 लाख 5 लाख मिला हुआ वो। आपको तो चुनाव के पहले बयानों को लेकर गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए कि आपको उल जुलूल बयान आप सारा बयान नहीं देने हैं, जिससे कि यहाँ पर लोग उसका फायदा उठा सके। हाँ, ये सहमत हैं इससे, हम आपके कि बयान को नैरेटिव बना लेते हैं लोग, उसमें एडिट कर लेते हैं, तो ऐसे एडिट वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि बयानों को एडिट करने, जैसे माननीय गृहमंत्री ने कहा कि मुसलमानों का आरक्षण गैर संवैधानिक है, उसे हम खत्म करेंगे, तो मुसलमानों के आरक्षण को हम खत्म करेंगे, तो आरक्षण को खत्म करेंगे एडिट करके ला दिया, अब बाकी पहले का है, तो इस पर ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी बयान पर गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निसार, उन्होंने कहा है कि हम मेहनत करेंगे, जो परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं वो अति उत्साह के कारण है, हम भविष्य में बेहतर तरीके से बेहतर प्रबंधन के साथ बेहतर रणनीति से आगे चुनाव में जाएंगे और 27 चुनाव में भी जीत दर्ज करेंगे और आगे का माहौल ऐसा बनाएंगे कि जनता हमको लगातार साथ में रहे, पसंद करती रहे। क्या प्रश्न दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।